दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे दोबारा। तो भाई आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कि अभी काफी एक चर्चित टॉपिक भी है और एक नया सेगमेंट है जो अपनी कार्स में या अपने कार के अंदर एक नया सेगमेंट आने वाला है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर टाटा कर्व के बारे में। आप सभी को पता है कि टाटा कर्व अभी जो हमारा ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें आई भी थी, मैं भी गया था, मैंने भी गाड़ी देखी थी। तो उस समय कुछ ये था कि शायद इलेक्ट्रिक के अंदर आने का विचार था, बट बाद में ये चेंज आया कि हाँ भाई वो पेट्रोल और डीजल या जो भी वर्जन होगा उसके अंदर वो आएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या इस गाड़ी के लिए वेट करना जरूरी है और कौन कौन से सेगमेंट के लोगों को ये गाड़ी जो है वर्थ करती है रुकने के लिए या उनको अट्रैक्ट कर सकती है गाड़ी, और क्या प्राइस सेगमेंट और कब तक ये गाड़ी आ सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियोज आती रहती हैं और नई नई गाड़ियों के ऊपर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार मैं बताऊं, जब मैं ऑटो एक्सपो में गया था तो मैंने ये गाड़ी देखी थी। गाड़ी देखने में तो काफी अच्छी लग रही थी मेरे को। मुझे शायद लगा कि ये हो सकता है कि कोई नया कोई इनका प्रोजेक्ट वगैरह हो या कोई ऐसी गाड़ी हो जो आने वाले टाइम पे आए, काफी टाइम ले। बट जिस तरह से उस समय न्यूज आई कि नहीं भाई जल्दी आने वाली है, तो मैं गाड़ी के अंदर तो मैं देख नहीं पाया। बट हाँ, ये वीडियो आप देखते रहना, ये वीडियो मैंने उस समय वहीं बनाई थी तो गाड़ी को मैंने काफी नजदीक से देखा था। तो नो डाउट देखो यार, ये जो सेगमेंट की गाड़ी आने वाली है ना, इसका जो सेगमेंट ही अलग है। मैं आपको बताऊं, कई लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं क्रेटा से, सेल्टोस से, या स्कोडा की जो क्यूशेक है, या टाइगुन वगैरह से। बट ऐसा नहीं है, ये सेगमेंट ही अलग है। ये जो सेगमेंट हमारे पास है क्रेटा वगैरह का, ये बेसिकली आप इसे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कह लो या मिड साइज एसयूवी कह सकते हो आप, बट प्रॉपर एसयूवी नहीं है। बट वो जो गाड़ी आने वाली है वो एक कंप्लीट अलग सेगमेंट है जिसको हम लोग जानते हैं या इंडिया में लोग जो बोलते हैं उसको एक कूपे मॉडल की तरह से बोलते हैं। कूपे मॉडल के सेगमेंट के अंदर गाड़ी आएगी और पहली बार इतने सस्ते रेट के अंदर ये कूपे सेगमेंट आ रहा है इंडिया के अंदर, वो भी टाटा के द्वारा लाया जा रहा है। और कूपे सेगमेंट ज्यादातर जो है बड़ी बड़ी गाड़ी जैसे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वगैरह हो गई उसके अंदर ज्यादा ये सेगमेंट आता है। और आपको पता है बीएमडब्ल्यू की कूपे वगैरह मॉडल तो उसको प्राइस भी लगभग 1 CR के आसपास जाता है, बट पहली बार इतने कम प्राइस पे ये गाड़ी आ रही है। और देखने में तो भाई बिल्कुल कूपे सेगमेंट ही था जब मैंने देखा था। आप वीडियो देखते रहिएगा, जिस भाई को नॉलेज होगी कूपे कूपे सेगमेंट की वो देख के समझ जाएंगे कि किस टाइप का कूपे सेगमेंट ये आता है। बेसिकली आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ भाई मैं, जो हमारे भाइयों को समझ में आएगी, उसके अनुसार गाड़ी आपकी आगे से तो लगेगी बिल्कुल एसयूवी टाइप की उठी हुई पूरी की पूरी। बट यदि उसका बैक देखने जाओगे तो बैक कुछ कुछ आपको सेडान टाइप का लगेगा, सेडान की तो थोड़ा सा लंबा सा होगा और ऐसा नीचे ला की तरफ होगा। तो वो बेसिकली हम इसको एक कूपे सेगमेंट बोलते हैं जो नाम दिया गया सेगमेंट का। तो भाई नया सेगमेंट है, नई जनरेशन को काफी अट्रैक्ट करने वाला है ये। और भाई हम भी देखते हैं, हमें यदि पॉसिबिलिटी लगी कि चेंजेस की तो हम भी देखेंगे भाई। एक अच्छे सेगमेंट में यदि कोई अपनी इंडियन कार जा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें भी बिल्कुल साथ देना चाहिए। और बात रही प्राइस की, ये तो मैंने सेगमेंट बता दिया कि एक नया सेगमेंट है, लोग इसको कंपेयर करते हैं कि क्रेटा, बट किसी क्रेटा वगैरह कंपैरिजन में गाड़ी है ही नहीं ये बेसिकली। हाँ आप इसको प्राइस में कंपेयर कर सकते हो कि अभी क्रेटा के प्राइस में आने वाली है, इसके प्राइस के रेंज में आ सकती है, बट सेगमेंट वो नहीं है, सेगमेंट अलग है इसका। अब प्राइस तो आप जब मैंने बताई दिया आपको तो लगभग आपको हिंट हो ही गई होगी तो क्या प्राइस लगभग इसका आने वाला है। तो लगभग प्राइस जो हमें सुनने में आया लगभग वही सेम 11 लाख से स्टार्टिंग होने स्टार्ट हो जाएगी इसकी, और वही शायद लगभग 15-20 लाख रुपए तक जाएगी जहां तक हमें खबर है कि इतने तक आ सकती है। और मोस्ट प्रोबली जो सुनने में चीजें हैं कि क्योंकि मैं भी अभी पंच के इवेंट में गया था तो वहां पे बहुत सी बातचीत हुई टाटा वालों से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बोले भाई अब हर लगभग हर 2-3 महीने के अंदर हम एक क्वार्टर के अंदर गाड़ी नई नई लॉन्च करते रहेंगे, चाहे वो ईवी में करें, चाहे वो पेट्रोल में करें, चाहे डीजल में करें, बट गाड़ी हम लॉन्च करते रहेंगे। तो ये खबर है। तो मोस्ट प्रोबली गाड़ी मुझे लगता है मार्च अप्रैल के आसपास कहीं पे लॉन्च हो सकती है, मैक्सिमम अप्रैल तक जो है लॉन्च हो जानी चाहिए। और इस सेगमेंट की एक जरूरत भी थी क्योंकि टाटा के पास ना ये सेगमेंट जो था बीजा खाली पड़ा हुआ था। अब इसके नीचे आते हैं क्योंकि जो इनकी नेक्सॉन भी है ना वो एक 4 mm से कम की गाड़ी आ जाती है, तो एक ये रीजन ये भी है इसके कारण कि इन्हें एक सेगमेंट के बीच में गाड़ी लानी थी। नेक्सॉन है, नेक्सॉन के बाद फिर इनके आप जाते हो तो या फिर आपकी सफारी, हैरियर, इन सब में आपको जाना पड़ता है। बीच का सेगमेंट खाली पड़ा था तो वो सेगमेंट के बीच में गाड़ी इन्होंने ये निकाल दी है
और निकालनी भी चाहिए थी इन लोग को जिस हिसाब से, क्योंकि एक काफी बड़ा गैप पड़ा था प्राइस के बीच में। तो ये है, और कंपटीशन वगैरह अच्छा होने वाला मार्केट में, हम जैसे कंज्यूमर को एक अच्छी चीज मिल सकती है देखने के लिए। इंटीरियर की मैं बात करूँ तो लगभग इंटीरियर मुझे तो लगता है सेम जैसे अब जिनकी हर गाड़ियों का आ रहा है नेक्सॉन का, वही आपके टू स्पोक स्टेयरिंग वगैरह पे डिजिटल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, डिजिटल क्लस्टर वगैरह, उसके अंदर आपको सब मिल जाएंगे जैसे अभी आ रहे हैं। और मोस्ट प्रोबली सेफ्टी फीचर की बात रही तो आपको पता है टाटा सेफ्टी के लिए माने जाता है, तो मोस्ट प्रोबली आपको बेस मॉडल से ही इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स वगैरह मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्सॉन वगैरह में तो आपको 6 एयरबैग मिल ही रहे हैं, तो उसमें भी मोस्ट प्रोबली आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ है भाई, गाड़ी यदि आप कोई एक नई गाड़ी चाहते हैं कि कोई एक नया सेगमेंट आप चूज करें, या आप रुक सकते हैं क्योंकि आप अभी भी कोई गाड़ी लेने जाओगे 11 लाख 12 लाख 13 लाख 14 लाख की, तो लगभग उसमें आप वेटिंग आपको 2-3 महीने की मिलेगी हर जगह बेस मॉडल के, टॉप मॉडल तो फिर भी मिल जाते हैं। तो मेरा आप लोग को ये कहना है कि यदि आप वेट कर सकते हो तो करो इस गाड़ी के लिए, एक नया सेगमेंट है मार्केट के अंदर, प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटेबल है, ठीक ठाक प्राइस है, आप चाहो तो इस वेरियंट के लिए या इस गाड़ी के लिए वेट कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप कहीं भी गाड़ी बुक कर दीजिए और इसका वेट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबली जहाँ तक हमें लगता है अप्रैल तक ये गाड़ी आ जाएगी, और जैसे ही आएगी आपका जो भी वीडियोस वगैरह होंगे, रिव्यूज वगैरह होंगे, हम अपने चैनल पर जरूर डालेंगे। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ यदि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और हाँ यदि आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स वगैरह को ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, कोई प्लानिंग कर रहा है, तो वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।